सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। झांसी, लॉकडाउन के दौरान रेलवे की पटरियों पर काम करते दिखे ठेकेदार के कर्मचारी, नहीं माने जा रहे निर्देश। झांसी, एक ओर जहां पूरे देश में कोरोना वायरस की दहशत के चलते सरकार द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं मऊरानीपुर में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ रेलवे के ठेकेदार द्वारा लगभग आधा सैकड़ा मजदूर द्वारा बिना किसी बचाव के कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। जब इस संबंध में रेलवे के अधिकारी सतीश कौशल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ यह मानने से इंकार कर दिया कि मजदूर एकत्र होकर काम कर रहे हैं, और यह भी मानने से मना कर दिया कि मजदूरों को मास्क व सैनिटाइजर नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूरी को कोरोना से बचाव की पर्याप्त सुविधा मुहैया कराई गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि रेलवे प्रशासन आदेशों के उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई करता है। सर, आप क्या नाम लिखते हैं सर? सतीश कौशल। सतीश कौशल जी, ये बताइए, आपकी रेलवे पटरियों पर करीब 70-60 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं? 70-60 आदमी? 70-60 आदमी तो है ही नहीं भैया, हमारे पूरे डिवीजन में ठेकेदार के कर्मचारी है ना? ठेकेदार के कर्मचारी भी नहीं है 70-60 आदमी, किसी ने गलत नोट कर लिया आपने? अरे, एक अंदाजा बताया है। नहीं, अंदाजा नहीं है। और जो गाइडलाइंस मिली है वो हमारे यहाँ जो आदमी काम कर रहे हैं वो मात्र 16 आदमी है, और वो भी उनको बोला है कि दो दो आदमी ग्रुप में काम करेंगे, चार आदमी भी इकट्ठा नहीं होंगे, ओनली इन इमरजेंसी चार आदमी एक जगह रहेंगे बस। अच्छा, बस। और ऐसे में उनके पास जो कोरोना से बचने के लिए उपकरण भी होने चाहिए वो भी नहीं है? उनके पास साबुन दिया हुआ है और उनको मुंह ढकने को कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग? वो अब नहीं कर रहा था, हम बोले देते हैं उनको करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।